बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं शीर वाली सेवइयां बनाऊंगी, जिसे शीर कोरमा कहते हैं। उसके लिए मैंने आधा कप काजू और बादाम को गर्म पानी में भिगोकर रात को रख दिया था, और सुबह मैंने बादाम को इस तरह से छील लिया है, आप देख सकते हैं। और काजू भी हमारा अच्छे से फूल गया है। 2 टेबल स्पून चिरौंजी मैंने भिगोकर रख दी थी रात को, और इसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 कप छुहारा लिया था, जिसे छोटा छोटा काट कर गर्म दूध में भिगो दिया था रात को। तो अब हम सबसे पहले काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। इसी तरीके से हम बादाम को भी काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने काजू बादाम को इस तरह से काट लिया है, आप देख सकते हैं। शीर कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर अमूल का फ्रेश दूध लिया है, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। 3 लौंग ली है, 2 हरी इलायची ली है, 1 कप खोया लिया हुआ है, 1/2 कप देसी घी लिया है, 10 टेबल स्पून चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 कप भुनी हुई सेवइयाँ ली है। शीर कोरमा बनाने के लिए मैंने एक पॉट लिया है, जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, और अब हम इसमें देसी घी डाल देंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें लौंग और हरी इलायची डाल देंगे। हरी इलायचियों को मैंने थोड़ा सा फाड़ लिया है, और इन्हें हम 1 से 2 सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। लौंग और इलायची हमारी सॉटे हो गई है, और अब हम इसमें कटा हुआ काजू और बादाम डाल देंगे, और इन्हें हम अच्छे से घी में मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम इसमें चिरौंजी भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें इन तीनों को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर भून लेना है। बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है। 2 मिनट के बाद मेवे हमारे अच्छे से भून चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। हमें बिल्कुल इस तरह से भूनना है, और अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध मैंने पहले भी बॉयल कर लिया था। फ्लेम को हम हाई रखेंगे, और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आने लगे। आप देख सकते हैं दूध में अच्छा सा बॉयल आने लगा है, ये देखिए। और अब हम इसमें जो हमने दूध में छुहारा भिगोया था, उसको ऐड कर देंगे। छुहारा ऐड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें फिर से बॉयल आने लगा है, आप देख सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है, और अब हम इसमें भुनी हुई सेवइयाँ डाल देंगे। अगर आपकी सेवइयाँ भुनी नहीं है, तो आप इसे प्लीज़ भून लीजिएगा, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ में ही हम खोया भी डाल देंगे। इस तरह से हम हाथों से क्रश करके खोए को डालेंगे। खोया डालने के बाद हम इसे चला देंगे, और 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारी शीर वाली सेवइयां बनकर तैयार है, और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी होगी, तो अभी ये और गाढ़ी होगी। ये देखिए फ्रेंड, ठंडी होने के बाद हमारी शीर कोरमा बनकर तैयार हो गई है, ये गाढ़ी भी हो गई है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम।